दोस्तों, तो अब हम लोग हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे कहते हैं कि मुंबई का किनारा, समुद्र किनारे बिल्कुल लास्ट छोर पे है ये आप गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। काफी पुराना है, लगभग कितने साल पुराना है गोदंडा मुश्किल है कितने साल पुराना है, बट लेकिन काफी बड़ा है और थोड़ा सा पास नजदीक में ले चलते हैं आपको हम लोग। और पीछे देखते हैं इसके, तो यहाँ पे ओबराय होटल की बड़ी सी व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है, ओबराय होटल की है। और ये है यहाँ पर ताज होटल, जो पीछे से है, काफी खूबसूरत है, लेकिन अब एग्जैक्ट तो थोड़ा पास चलेंगे तो आपको दिखाते हैं पूरा, अभी इतना ही दिखाते हैं। काफी अच्छा है चारों तरफ नजारा। ओहो, ये साइड में दिखता है, यहाँ पे कुछ बोट्स खड़े हैं, यहाँ पर बोट काफी अच्छे हैं और खूबसूरत, किराए कुछ रेंट यहाँ पे लेते हैं अगर आप घूमने आना चाहते हैं। यहाँ पर साइड में जस्ट बिल्कुल बगल पे ही है गेटवे ऑफ इंडिया, वो आएंगे साइड में बिल्कुल बगल में, तो आपके समुद्र किनारे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल लास्ट शोर है। यहाँ पे काफी सारे बोट्स खड़े रहते हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, समुद्र किनारा बेहतरीन सा, समुद्र किनारा बिल्कुल लास्ट शोर है, समुद्र की लहरें दिख रहे होंगे आपको, वही बोट्स खूब सारे खड़े हुए हैं, गजब के बोट्स दिख रहे होंगे आपको, वो बोट से लगता है कि उसे बिल्कुल पृथ्वी और आकाश एक जगह मिलने वाले हैं, ऐसा फील से हो रहा है, कोहरा टाइप का कुछ फील से हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा हमेशा रहता है। और हल्की धूप है यहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत से नज़ारा लगता है, मस्त लगता है। एक बार आएंगे तो आप यहाँ पर दो चार घंटे बैठ जाएंगे कि बहुत मज़ा आ, बहुत अच्छा लग रहा साइड में, ठंडी ठंडी हवा से आती है। और ये साइड का है इसका, अभी और पास चलते हैं इसके, कुछ और नज़र दिखाते हैं आपको। ये सामने से है इस टाइप का दिखता है गेटवे ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक सामने आपका है एग्जैक्ट ये गेटवे ऑफ इंडिया। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और मैं भी हूँ यहाँ पर, आपको हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो भी आपको मिलेंगे अभी इस पे, हमारे वे जो अलग से वीडियो है उसमें आपको मिलेंगे। जैसा कि आप बताया था मैंने कि आज मैं गेटवे ऑफ इंडिया आऊँगा, देखिए, और इसके जस्ट बैक साइड में आपका ताज होटल दे रखा है और जस्ट बगल में ही इसके ओबराय होटल दे रखा है, और वाकई बहुत ही अच्छा है ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया। एंड इसके मैं पूरा अराउंड में घुमाऊंगा, देखिए, और पूरी फैमिली साथ लोग आए हुए हैं, और देखिए आप, देखिए अंकल बैठे हुए हैं, और इसके बाद हमारे साथी लोग एक दूसरे के सेल्फी और फोटो खींचते हुए हैं, और ये और मिस्टर और देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, और लोग देखिए कितना खुश होकर एक दूसरे के फोटो खींचते हैं यहाँ पर, और वाकई बहुत ही जन्नत है। यू कैन से हिंदी सर, यू कैन से हिंदी? नो, आई कैन से एनी। नो, ओके, आप कहाँ, योर कंट्री? नेदरलैंड्स। ओके ओके, मैं अब ताज होटल की तरफ मैं जा रहा हूँ, और देखिए मैं साथी लोग जा रहे हैं, ये जस्ट सामने मैं ओबराय होटल के जस्ट सामने हूँ, और ये आपका है ताज होटल। अब मैं इसके पास में जाकर देखता हूँ क्या क्या इसके आसपास है, और ये देखिए मुंबई, और वाकई बहुत ही बिंदास है, और ये देखिए आराम से कबूतर भी हैं यहाँ पर, बोटिंग का मज़ा लेते हैं वो भी, और एक फर्स्ट क्लास एक दृश्य दिख रहा है, बहुत ही फेमस है ये हमारे फोटोग्राफर्स जो कि फ़ोटो खींचते हैं, और ये ड्रेस में होते हैं यहाँ पर, ब्लैक एंड वाइट ड्रेस होती है इनकी। और ये देखिए आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि कबूतर यहाँ पर आते हैं, और जस्ट ये ओबराय होटल और ताज होटल के जस्ट सामने ऐसी कंडीशन होती है, और कई बार यहाँ पे पिक्चरों की शूटिंग होती है जो कि आपने सीधा बॉलीवुड में देखा होगा। और देखिए काफ़ी लोग इसकी पिक्चर खींच रहे हैं, और काफ़ी लोग जो आते हैं, और देखिए यहाँ कबूतर, ढेर सारे कबूतर दे रखे हैं जो शांति के प्रतीक होते हैं, देखिए, और ये खाना खा रहे हैं अपना, और ये है आपका ताज होटल जिसके मैं जस्ट सामने खड़ा हूँ। ये है कबूतर से सारे, खूब ढेर सारे कबूतर हैं, और ये हमारे साथी लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, और ये देखिए विशाल जी, और ये हिमांशु जी, और ये है हमारे खास मेहमान दिलीप जी जो कि हमारे मित्र हैं, झोंके मारे, और ये देखिए काफी कुछ है और कबूतर, और काफी लोग इसके पास में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, देखिए ये देखिए, और वेरी नाइस, और काफी लोग एक दूसरे के फोटो खिंचवाते हैं, और देखिए ये वाकई खूबसूरत है यार, वाकई मुंबई किसी से कम नहीं है, वाकई अगर इकोनॉमिक सिटी है तो लोग यहाँ पे दिलदार भी बहुत हैं, बहुत ही खुश लोग हैं। ये मैं इसके बैक साइड में हूँ, और ये देखिए अपना, चलिए ठीक है।